हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पर नो रिजल्ट फाउंड करके लिखा हुआ प्रॉब्लम आता है तो फिर आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आता है वो एक नेटवर्क का एरर हो सकता है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप लोगों को अपने फ़ोन पर नेटवर्क को चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके फ़ोन पर नेटवर्क सही रहता है और फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो इस कंडीशन में आपको सेटिंग को ओपन करना है अपने फ़ोन पर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से प्ले स्टोर लिखना है। प्ले स्टोर लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज पे जाना है और इसका डेटा आपको इस तरीके से क्लियर कैचे कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन आता है रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस का, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल डेटा को इस तरीके से इनेबल करके ओके करना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सेटिंग कर लीजिए और यहाँ पे आपको परमिशन वगैरह भी अलाउ कर देनी है, जो भी परमिशन आपको मांग रहा है फ़ोन का, तो यहाँ पे आप उसको अलाउ कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन पर सेटिंग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।